हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज़ होगा और हम डेली 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा और ये सारे जितने क्वेश्चंस होंगे, ये लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, ये हिंदी भाषा के बारे में ही है। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट हमने बनाया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। अब बताइए भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा के पहला देखिए लिखा हुआ है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा में नए विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, भाषा के में दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बताइए, हिंदी हुई, अंग्रेजी है, मंदारिन है और या स्पेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्ज़ाम्स में आता है ये। यूपी जेल वार्डन हुआ, यूपी बीएड हो गया, टेट सीटेट, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, मंदारिन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। बताइए, संसार की भाषाओं में हिंदी की कौन सी स्थान है। तो हिंदी का जो है पहला है कि दूसरा है, बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, सी तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात कर दें, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणित और व्यापक कार्य किसका है। बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, मैक्स म्यूलर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर थ्री, केटलर। एंड थर्ड है, ग्रियर्सन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सॉरी डी है, ग्रियर्सन। ठीक है, तो आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रियर्सन जो है ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बुंदेली हिंदी की एक बोली है। सबको पता है कि बुंदेली जो है हिंदी की एक बोली है। तो ये पवारी और राठौड़ी क्या है। ठीक है, पवारी और राठौड़ी क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उप बोली है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, उप बोली है। बुंदेली जो है एक हिंदी की बोली है, सबको पता है। तो पवारी और राठौड़ी क्या है, तो ये जो है एक उप बोली है। ठीक है, क्या है, उप बोली है। जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसके क्वेश्चन नंबर डाल के आप कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने बने हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर अटैम्प्ट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। बताइए हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय, क्या लिखा है, भारोपीय। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य इंडो जर्मनी किसने दिया है। ठीक है, भारोपीय भाषा का परिवार का एक अन्य इंडो जर्मनी किसने दिया है। तो बताइए किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का ऑप्शन नंबर ए राइट है, मैक्स म्यूलर ने दिया है। ठीक है, मैक्स म्यूलर ने दिया है। 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इस तरीके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है ये हिंदी भाषा। ठीक है, और लिपि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा एवं लिपि के ये सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 70 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे 3 से 4 वीडियो में। ठीक है, 4 लेक्चर अटैम्प्ट करेंगे और 70 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे भाषा, हिंदी भाषा एवं लिपि से सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। चलिए चैप्टर वाइज हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, एक एक चैप्टर वाइज हम करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन भी होगा, पहले हम चैप्टर वाइज समझ लेते हैं। ठीक, और इसकी थ्योरी भी बनी हुई है, जिसको डाउट होगी थ्योरी भी देख सकता है। ठीक है, हिंदी भाषा एवं लिपि की थ्योरी भी वीडियो है इसमें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। और अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था। बताइए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है अर्धमगधी,
दूसरा है सौर सेनी, थर्ड है मगधी, मगधी ठीक है। तो यही ऑप्शन सी जो है आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया है? बताइए अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन से भेद नमी साधु ने नहीं किया है? तो कौन से भेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें एक चैप्टर से जितनी बनती हैं सारी अटेम्प्ट करा दी जा रही हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पद्मावत की भाषा है, बताइए पद्मावत की भाषा कौन सी भाषा है? बताइए ऑप्शन नंबर ए मैथिली है, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी एंड ऑप्शन डी बुंदेली। तो कौन सा राइट ऑप्शन बताइए? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी अवधी। राइट ऑप्शन क्या होगा? अवधी हो जाएगा। ठीक है, तो पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा है अवधी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, जेलवार्डन में ये क्वेश्चन है हो गया, यूपीपी में आ चुका है ये। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेट सीटेट की अगर हम बात करें, यूपीबीएड की एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, तो ये हिंदी जो होती है कॉमन एक सब्जेक्ट होती है, तो ये सारे जो होते हैं एग्ज़ाम उसमें ये सिमिलर एक तरीके से कहे जाते हैं। ठीक है, सिलेबस लगभग सबका सेम ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो बताइए विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बताइए अब क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन होगा, ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप बताते रहेंगे, ठीक है, जो भी अगर डाउट होती है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, बिहारी, बंगाली, ओडिशा और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? बताइए बिहारी भाषा का किससे विकास हुआ है, बंगाली भाषा का किससे विकास हुआ है, उड़ीसा का किससे हुआ? इस तरीके का जो ये भाषा मैं बोल रहा हूँ, इनका विकास किससे हुआ है? सौर सेनी, ठीक है, प्राचंड हो गए, ठीक है, और अगर हम बात करें अर्धमगधी हो गए, ठीक है, मगधी हो गए। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 12 का डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी, ऑप्शन नंबर 12 का क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, चलिए मगधी इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट भोजपुरी का, क्षेत्र क्या है? बताइए भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? आरा है, भागलपुर हो गया, गया है कि दरभंगा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है आरा, ये भोजपुरी का एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? बताइए ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बताइए उपनागार, मगधी हो गया, या सौर सेनी, या पैसावी। ठीक है, बताइए किस भाषा, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास जो है ऑप्शन नंबर सी सौर सेनी से इसका विकास हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखा गया इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत टिक लगा लीजिएगा अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रजभाषा का जो विकास है वो सौर सेनी से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, की हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, ठीक है, ये ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए राजभाषा, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए तकनीकी भाषा, ठीक है, और सी देखेंगे तो राष्ट्रभाषा, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो काव्य भाषा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, काव्य भाषा, समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है विद्यापति कृत, ठीक है, कीर्तिलता की भाषा है। बताइए विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो देखिए भोजपुरी है, किडिंगल है, मगही है, या अवहट है? तो बताइए क्या है, कौन सी भाषा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, तो अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप में दृष्टिगोचर होता है? बताइए अमीर खुसरो की जो काव्य है इसमें किस भाषा का दृष्टिगोचर होता है? चलिए बताइए किस भाषा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किस भाषा का होता है। चलिए देखिए फर्स्ट है ब्रजभाषा, ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड,
ठीक है। तो फर्स्ट है ब्रज भाषा, सेकेंड की अगर हम बात करें तो अवधि है, ठीक है। तो बताइए ब्रज भाषा है कि अवधी भाषा है कि अर्धमगधी भाषा या कन्नौजी भाषा, बताइए कौन सा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए यानी कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए, जो अमीर खुसरो के जो काव्य हैं, ठीक है, काव्य हैं, ठीक है, तो वो किस भाषा का परिनिश्चित रूप दृष्टिगोचर होता है, तो बताइए किस भाषा का, तो ब्रज भाषा जो होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, चलिए बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए सौर सेनी, दूसरा महाराष्ट्री, तीसरा मगधी, और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो अर्ध मगधी होगा। तो बताइए आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अर्ध मगधी, ठीक है, अर्ध मगधी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है, बताइए भारत सरकार का कौन सा ऐसा विभाग है जो हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्न है। तो बताइए ऑप्शन आप देख लीजिए, एक बार फिर से छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन फर्स्ट है राजभाषा विभाग, ठीक है, राजभाषा विभाग, सेकंड की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा विभाग हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विभाग, या ऑप्शन नंबर डी संचार विभाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक की विभाग की, ठीक है। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांगरू किसकी उपबोली है, तो बांगरू किसकी उपबोली है, तो अब बताइए, चलिए बताइए जल्दी किसका, चलिए फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सेकंड ऑप्शन राजस्थानी, थर्ड ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, एंड फोर्थ ऑप्शन बिहारी, ठीक है। तो अब बताइए 20 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी हिंदी, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के पार्ट टू के बारे में, हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, और 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस तरीके से हम करके एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, और जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये हर तरह वीडियो जो हमारी बनती है आपको पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और हमेशा इस तरीके से वीडियो जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इस तरीके की वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके, थैंक यू। चलिए।